हेलो गाइस, होम इलेक्ट्रॉनिक्स की और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार ये सेटअप रात का सेटअप है, अब रात बहुत हो रखी है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनको बेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी यार नींद बहुत आ रखी है, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको सब बुफर दिखाते हैं। तो उससे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, हम अभी आ चुके हैं दिन में और ये रहा बॉक्स पेटी पैक। वैसे बॉक्स में कुछ खास नहीं लिखा है, ये आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशंस। ये इनके अलग अलग मॉडल्स है, बूफर सब बूफर के, एडोम फोडोम ऐसे। तो ये अभी अभी मेरे पास आया, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है इसको। तो जितना मतलब कि जितना मेरे से हो सके मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी सील खोलते हैं, पूरा पेटी पैक है अभी भी, तो खोलना अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं बॉक्स खोलता हूँ, तब तक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब जो है बहुत कम सब्सक्राइब कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, तो सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। वीडियो बनाने में मेहनत के साथ साथ पैसा भी लगता है। और एक बात, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इसको अपने पैसों से ख़रीदा है। और कितने पैसे लगे मेरे इसमें वो भी बताऊंगा वीडियो में। तो ये खुल चुका है, ये देख सकते हो आप, एकदम पैक हो रखा है। और पता नहीं ये क्या दे रखा है इन लोगों ने, सर इनको साइड में रखते हैं। और ये है हमारा सब बूफर, बूफर नहीं ये सब बूफर है। तो मैं अभी इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ताकि आप जो है अच्छे से देख सको। और ये पॉलीथीन में कवर्ड है, जो कि अच्छी बात है। तो अभी मैं इसको बाहर निकालता हूँ। सो गाइस, मैं इसको बाहर निकल चुका हूँ, अभी करेंगे इसका मुंह दिखाई। तो ये ज़रूरी चीज़ है, ये तो करना ही होता है हमें। तो यहाँ मुझे हेल्प लेनी पड़ी किसी की, क्योंकि अकेला नहीं होता भाई, बहुत हैवी सबवूफर है। सो गाइस, दिस हैपेंस टू बी क्लासिक 8-inch सबवूफर, बूफर नहीं सब बूफर, फिर से बता रहा हूँ। और ये इसके टर्मिनल्स बढ़िया है, जम भी सही है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि जैसे वॉइस कॉइल अंदर किसी के साथ में टकरा रही है। वो तो बाद में देखेंगे जब इसका साउंड टेस्ट होगा बढ़िया से। ये जम तो वैसे बढ़िया है। और ये इसके साइड व्यू, और भाई साहब ये क्या, ये क्या मैग्नेट कैसे टूटा? ओ भाई साहब, ये क्या भाई, मैग्नेट टूटा हुआ है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई साहब, ये मैग्नेट टूट कैसे गया? हो सकता है ये शिपिंग के टाइम पे टूटा हो। सो गाइस, अभी देखते हैं सब बूफर की पास में, तो बहुत ही हैवी मैग्नेट, बहुत ही बड़ा मैग्नेट लगा हुआ है एक यहाँ पे, लेकिन ये टूटा हुआ है, ये दिक्कत है थोड़ी सी। बहुत ही बड़ा मैग्नेट है गाइस, जो आप बूफर में देखते हो वो कुछ भी नहीं है इसके सामने, और उसका कारण भी बनता है। तो यहाँ पे एयर पासिंग के लिए होल दे रखा है, ये जो है आपकी वॉइस कॉइल को सीधा ठंडा करेगी। वैसे साइड में कोई एयर वेंट्स नहीं है। और ये साइड का लुक कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको, पीछे से जो कोन है वो बिल्कुल ब्लैक है, और सामने से जो ये कोन आप देख रहे हो ये वाइट कोन में है। ये क्लासिक का ब्रांडिंग, बिल्कुल बीच में
ये आप देख सकते हो, और ये हैंड शील्ड डस्ट कैप जो कि एक तरफ से निकल रहा है, मतलब निकल रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फिर आप लोग बोलते हो भाई इतना लंबा वीडियो क्यों। और ये इसके टर्मिनल्स, तो अब इसके पीछे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप इम्पीडेंस, ये डोम्स फोर ओम्स दोनों में काम करेगा, और ये 200 वाट आरएमएस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 200 वाट का है। लेकिन यार ये मैग्नेट टूट गया है तो यहाँ पे यार मतलब दिखने में भी ख़राब लग रहा है, खैर क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैंने इसके बाजू में एक बूफर रख लिया है, आप देख सकते हो। और अभी प्राइस भी बता देता हूँ मैं आपको। तो गाइस इसका प्राइस आपको फ्लिपकार्ट में पड़ जाएगा 819 रुपये का। तो ये आप देख सकते हो, और ये देखो देखो मैग्नेट देखो भाई गाइस, इनफॉक्स का मैग्नेट इसके सामने इतू सा लग रहा है, बिल्कुल बच्चा, एकदम बच्चा। ये देखो बिग डैडी, देखो गाइस कितना बड़ा मैग्नेट है भाई साहब, 200 वाट लिखा हुआ है। ये देखो इसका मैग्नेट कितना सा लग रहा है इसके सामने, और ये सिंगल इसमें ही लगाऊंगा इसको मैं। तो यार ये रहा 8 ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर मेधा डीजे प्लस की तरफ से आने वाला, इसी के साथ ट्राई करेंगे। और गाइस अगर आपको ये सब बूफर ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहाँ से बाय कर लेना। और अगर बाय नहीं करना है तो सब्सक्राइब कर लेना, मतलब कि कुछ तो कर लेना। तो अभी करते हैं इसका साउंड टेस्ट, आप लोग हेडफोन लगा लो बढ़िया से। अभी पता नहीं ये वाला एम्पलीफायर इसका मतलब इसको चला पाएगा कि नहीं, पता नहीं है मुझे। वैसे चलाना तो चाहिए, 30-55 के लिए ये कुछ भी नहीं है। सो गाइस यहाँ पे सेटअप रेडी हो चुका है, एम्पलीफायर मैंने ऑन कर लिया है। अभी आपको मैं एक सॉन्ग सुनाई देता हूँ, वैसे ज़्यादा देर तक नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि यूट्यूब का कुछ लिमिटेशंस है, वजह से मैं आपको ज़्यादा देर तक नहीं सुना पाऊँगा। बाकी का साउंड टेस्ट अगर आपको सुनना रहेगा तो इंस्टा पे जाके सुन लीजिएगा। सो गाइस पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि इसके अंदर खड़खड़ की एक आवाज़ आ रही है। मैं अभी आपको ओनली बेस पे सुना देता हूँ। तो यार पता नहीं आपको ठीक से सुनाई दिया कि नहीं, लेकिन इसके अंदर एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही है बिल्कुल कतई, और धीरे धीरे नहीं काफ़ी ज़ोर से आ रही है, जो कि मुझे दूर से भी सुनाई दे रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि मुझे लग रहा है कि इसका जो वॉइस कॉयल है वो अंदर किसी के साथ टकरा रही है, तो हो सकता है उसी वजह से इसमें वो खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। तो आपने साउंड सुन लिया इसका, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो अभी पता नहीं कि सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है या फिर पर्टिकुलर इस यूनिट के साथ ही ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये ख़रीदना रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, बाइंग लिंक। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।